हेलो गाइस, स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। और आज का वीडियो काफी खास रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एक वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। और सबसे खास बात इसमें ये रहेगी कि ये जो वेबसाइट है वो बनाएंगे हम गूगल साइट्स के ऊपर, और इसमें हमको कुछ फायदे मिलेंगे। वो क्या होंगे ये देखिए। सबसे पहले जो जो वेब होस्टिंग होती है वो हमको इसमें फ्री में मिलेगी, ठीक है। डोमेन नेम फ्री में रहेगा, एसएसएल फ्री में रहेगा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज ना हो, ठीक है, आपको कोई भी लैंग्वेज का नॉलेज ना हो, फिर भी आप एक वेबसाइट को यहाँ पे बना सकते हैं, और वो बना सकते हैं आप एक कस्टमाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। गूगल साइट्स में हम कस्टमाइज करके पूरी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। ये सब हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अकाउंट सेव कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। तो एक और वेबसाइट बनाते हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जाओगे, आप साथ के साथ ध्यान रखिएगा कि आप एक भी स्टेप मिस ना करें, ठीक है। हम चले गए गूगल में, ठीक है। आप गूगल में जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे गूगल साइट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए गूगल साइट्स, ठीक है। गूगल साइट्स आप सर्च करोगे और एंटर कर दोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहला यहाँ पे एक लिंक आएगा, sites.google.com, ठीक है। ओके कर दीजिएगा। आपके पास यहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा टेम्पलेट गैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आप इनको किसी को भी यूज करके, आप यहाँ पे 10 टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, किसी को भी क्लिक करके यूज करके आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। आपको इसमें करना क्या है, जस्ट कुछ एडिटिंग करनी है और आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन के 3 टेम्पलेट यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए स्मॉल बिजनेस के यहाँ पे 5 टेम्पलेट यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे वर्क के देखिए यहाँ पे 4 टेम्पलेट दिए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ प्री डिफाइंड प्री बिल्ट हमारे यहाँ पे टेम्पलेट दी हुई है गूगल वालों की तरफ से, जिसमें आप, जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए एजुकेशन की टेम्पलेट है क्लास नाम से। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको एक भी चीज मिस नहीं करूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज देखते रहिएगा। और ये मैं आपको बात बता दूं, जैसे ही हम वीडियो के लास्ट में आएंगे तो आप भी एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक वेबसाइट बनी हुई है, एक डेमो बना पड़ा है, ठीक है, टेम्पलेट बनी पड़ी है। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे ये देखिए और रिनेम करना है आपको। कुछ भी आप यहाँ पे रिनेम कर सकते हो, जिसकी भी आपने वेबसाइट बनानी हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ रिनेम करना है, आपके पास सारा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये भी देखिए दूसरा पेज है। यहाँ पे देखिए आपको बस इसमें थोड़ी एडिटिंग करनी है और आपका वेबसाइट तैयार हो जाएगी, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम क्या करेंगे गाइस, इसको मैं क्लोज कर दिया, ताकि हम क्या करेंगे, आप जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा इनके हिसाब से रहता है हम क्या चाहते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, रिमूव, ठीक है। ओके, हमें इनकी टेम्पलेट यूज नहीं करनी है, और हमें क्या करना है, हमें एक अपनी नई साइट बनानी है अपने तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टार्ट अ न्यू साइट लिखा है, ठीक है। मैं देखिए वही लिंक है, sites.google.com न्यू, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लैंक में क्लिक कर देंगे, और हम स्टार्ट कर रहे हैं साइट बनाना। आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 बटन रहेंगे, एक रहेगा इंसर्ट का, एक रहेगा पेजेस का, एक रहेगा थीम का। इंसर्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे सारे जो फीचर है, बटन है, वो यहाँ पे दिए रहेंगे, जो हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज में लाएंगे, ठीक है। यहाँ पेजेस में हम क्या करेंगे, जो हमको नए पेज हमको चाहिए वो हम यहाँ पेजेस से नए पेज ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए थीम्स का है, ठीक है, कोई भी हमको थीम अप्लाई करनी है वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वाला हम क्या करते हैं, सिंपल वाली थीम को ही क्लिक करके रखते हैं और यहाँ पे इंसर्ट में चले जाते हैं। अब आते हैं इस ओर, यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पे यही वाला कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ये बैनर सा दिया है और यहाँ पे खाली है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये अंडू रीडो के ऑप्शन है, ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, ठीक है, इतना ही है। और जो भी आप चेंजेस करते रहेंगे
वो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली वो ड्राइव में सेव होते रहेंगे। ड्राइव में इसलिए सेव हो रहे हैं गाइस क्योंकि जो हमारी पूरी वेबसाइट है ये हमारी ड्राइव में स्टोर हो रही है, जो भी इसकी फाइलें हैं वो हमारी ड्राइव में सेव हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये लिख रहा है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, ठीक है। तो इसलिए हमको इसमें वेबसाइट में बनाने में किसी भी वेब होस्टिंग की किसी भी सर्वर की नीड नहीं होती क्योंकि गूगल ही इसको अपने सर्वर में एक तरीके से कह सकते हैं होस्ट कर रहा है, ठीक है। और SSL भी यहाँ पे देखिए ये जो सिक्योरिटी है ये भी गूगल की द्वारा ही रहेगी, ठीक है। तो सारी चीजें गूगल की है, हमको टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है साइट डॉक्यूमेंट नेम, यहाँ पे जो रहेगा एंटाइटल्ड साइट, यहाँ पे आप अपनी साइट का नाम दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विकास यूनिवर्सिटी कर लेता हूँ, ठीक है, अपने चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ विकास यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैंने दे दिया। सबसे पहला काम हमने क्या किया, अपनी साइट का यहाँ पे नाम दे दिया, ओके डन। अब यहाँ पे भी देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेबसाइट का नाम आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे साइट का नाम आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है एड लोगो, जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है एड लोगो। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो या लोगो भी लगा सकते हो या दोनों रख सकते हो कि आप नाम भी लगा लें और यहाँ पे लोगो भी लगा लें, ऐड लोगो, ठीक है। तो चलिए जी लोगो भी लगा लेते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो आप चले गए देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए लोगो, तो यहाँ से आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं और फेविकॉन भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगो तो आप सभी को पता है कि लोगो क्या होता है, मैं आपको दिखा दूँ, जो ये वाली चीज होती है इसको हम लोगो बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जब कोई भी वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ पे ये लोगो छोटा सा हमको दिखता है उस साइट का, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम फेविकॉन बोलते हैं, ठीक है, ये लोगो है और ये फेविकॉन है, ओके। तो यही चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं लोगो अपलोड करते हैं, यहाँ पे लोगो अपलोड कोई बात करते हैं अपलोड। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे डेस्कटॉप में क्योंकि डेस्कटॉप में यहाँ पे है मेरा लोगो, मैंने कर दिया ओपन। देखिए यहाँ पे मेरा लोगो आ गया। अब यहाँ पे लिखा है अल्ट टेक्स्ट, अल्ट टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जब कभी किसी का मोबाइल किसी का इंटरनेट स्लो होता है अगर उसकी इमेज लोड ना हुई हो तो उसके उसके रिप्लेस में अल्ट टेक्स्ट वहां पे शो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विकास यूनिवर्सिटी क्योंकि किसी का अगर स्लो है उसको इमेज नहीं दिख रही है तो उसको हमारा यहाँ पे ये टेक्स्ट दिखे तो उसको विकास यूनिवर्सिटी यहाँ से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे जाइए, अब फेविकॉन हमने सेट करना है, फेविकॉन के लिए भी हम अपलोड में जाएंगे और ओके कर देंगे और यहाँ पे मैं सेम लोगो ही चूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा फेविकॉन भी यहाँ पे चूज हो गया और मेरा लोगो भी ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे चूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपका ये आपकी जो है ये अपना कलर, ये आपकी थीम का कलर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन जैसा कुछ ग्रीनिश जैसी इसमें आ रही है, यहाँ पे देखिए ये वाला कुछ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, तो जैसा आपने रखना वैसा आप रख सकते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं और आपको सेव करने की कोई बटन नहीं इसमें मिलेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जैसे मैंने बताया ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, ठीक है। हाँ अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप यहाँ से देखिए अंडो रीडो का इस ऑप्शन है तो आप यहाँ से अंडो रीडो कर सकते हैं, ठीक है, ओके कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया, यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया और यहाँ पे लोगो लगा लिया और फेविकॉन भी यहाँ पे लगा लिया ऐसा जैसा, ठीक है, ओके डन। अब देखिए यहाँ पे एडिट लोगो आ रहा है, एडिट लोगो से क्या हो सकता है अगर हमको नया लोगो हमने बनाया उसको हमने चेंज करना तो हम फिर से यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे नया लोगो भर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फेविकॉन भी डिलीट करके नया फेविकॉन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एडिट का आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है योर पेज टाइटल, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का टाइटल देंगे, ओके, विकास शर्मा ने विकास यूनिवर्सिटी लिखना है, मैंने अपना नाम लिख लिया विकास यूनिवर्सिटी, ओके, ठीक है। यहाँ से देखिए आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं जितना आपको बड़ा छोटा करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये फॉर्मेटिंग का बार हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया ऊपर, ठीक है।
ये यहाँ पे देखिए, अगर आपका ये टाइटल है तो टाइटल रखिएगा, नॉर्मल टेक्स्ट रखिएगा, हेडिंग, सब हेडिंग, स्मॉल, सब कुछ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है। हम ये हमारा टाइटल है तो हम ये टाइटल सिलेक्ट करेंगे और ये टाइटल इसे रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारा फॉन्ट का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे कई सारे फॉन्ट हैं, ठीक है, जो भी आपने चूज करना हो वो आप रख सकते हैं। टाइटल के लिए कुछ ये मुझे ठीक लग रहा है, इम्पैक्ट इसे रख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इम्पैक्ट नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने पहले ये सिलेक्ट नहीं किया था। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये लाटो था पहले, अब ये इम्पैक्ट हो गया। ये देखिए इम्पैक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। और दूसरा, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये 64 मुझे ठीक लग रहा है, मैं 64 रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे बोल्ड, इंसर्ट, ठीक है, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ से आप कलर भी दे सकते हो, रेड दे दूँ, ठीक है, ठीक लग रहा है, रेड भी ठीक लग रहा है। ओके, मैंने रेड दे दिया यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है, इंसर्ट लिंक। अगर आपने कोई लिंक भी इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट अभी नहीं करूंगा। लिंक कैसे इंसर्ट करना मैं आपको नीचे बताऊंगा, सारे ऑप्शन मैं आपके यहाँ पे एलिब्रेट करने वाला हूँ, कोई टेंशन मत लो आप। यहाँ पे देखिए, ये अलाइनमेंट का है, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हो इसकी, मेरे लिए ये ठीक है, ओके। और यहाँ से अगर आपको लगे कि इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने इन 3 डॉट पे क्लिक कर लिए तो आपके सामने यहाँ पे कुछ और सेटिंग भी है, आप इसको चाहिए तो इसको भी कर सकते हो। तो हम इसको इतना ही रहने देंगे। मैं आपके सामने सारे ऑप्शन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक एक ऑप्शन आपके सामने करूंगा, या इंसर्ट में जाके यहाँ पे भी जितने हैं मैं सारे एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तभी ऐसा कंफ्यूज मत होना कि मैं एक एक चीज आपको क्यों बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इस बैनर है ये वाला, बैनर के जैसे मैंने यहाँ पे लाया तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 ऑप्शन खुल गए। कौन सा है ये? चेंज इमेज और हेडर टाइप। हेडर टाइप में अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 टाइप के हेडर टाइप है, एक कवर, लार्ज बैनर, बैनर और टाइटल ओनली, ठीक है। अगर हम टाइटल ओनली पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ टाइटल रहेगा, पीछे से बैनर हट गया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बैनर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए ये बैनर है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बैनर आएगा और टाइटल भी आ गया। अगर लार्ज बैनर करेंगे तो थोड़ा ये बैनर है ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये देखिए लार्ज बैनर। अगर कवर करेंगे ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा बैनर, ये देखिए, ठीक है। तो हेडर टाइप हमारे इसमें ये 4 टाइप के हैं, कवर, लार्ज बैनर, बैनर और टाइटल ओनली। टाइटल ओनली भी रख सकते हो आप, बैनर भी रख सकते हो, दोनों अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा बड़े हो जाते हैं बैनर, तो मैं आपको रेकमेंड करेंगे आप टाइटल ओनली लीजिएगा या बैनर लीजिएगा। मैं बैनर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे देखिए, चेंज इमेज। चेंज इमेज कौन सी? जो ये पीछे बैनर की इमेज हमको शो हो रही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझसे 2 ऑप्शन फिर से आ रहे हैं मेरे पास, अपलोड और सिलेक्ट इमेज। सिलेक्ट इमेज में जो गूगल हमको प्रोवाइड करता है इमेज, वो यहाँ पे हमको मिलेगी। अपलोड में हम वो इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे जो हमारे कंप्यूटर में है, ठीक है। तो मैं सब यहाँ पे सिलेक्ट इमेज क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये गूगल की गैलरी है जो उसने ही हमको दी हुई है कि आप कोई भी यहाँ से लगा लो। तो कौन सी लगाएं? ये वाली लगा लें, ये वाला सेलेक्ट कर लें। ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये रहने देता हूँ कि मैं सिंपल कलर रख लूँ, सेलेक्ट इमेज कि मैं कलर रखूँ। तो यहाँ पे देखिए कलर भी है नीचे, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है, इसको ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे देखिए, जो मेरा नाम भी आ गया, लोगो भी आ गया, मेरा वेबसाइट का यहाँ पे टाइटल भी आ गया और पीछे मेरा बैनर भी लग गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारी वेबसाइट बन गई। देखिए मैंने कोई भी टेक्निकल यहाँ पे यूज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे देखिए एडिट, एडिट, अपलोड, एडिट, यही चीजें की हुई है, ठीक है। ये तो हम MS Word से भी इजी चीज लग रही है ना। तो
नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ, आप कंफ्यूज ना होते जाइए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ही यूज करते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स ये देखिए ओपन हो गया, और साथ में उसकी यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग के लिए ये बार भी ऊपर ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ विकास यूनिवर्सिटी, बोल्ड कर लेते हैं इसको और थोड़ा साइज भी बढ़ा देते हैं, 30 24 रख देते हैं, ठीक है 24। यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, ये वाला मुझे ठीक लग रहा था, कौन सा था वो, ना ओके ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं अलाइन करता हूँ एकदम मिड में, और यहाँ पे यहाँ से हम कलर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं कलर दूंगा इसका ब्लू, इस बारी ब्लू दे देते हैं, है ना, ये देखिए ओके ठीक। नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और आपका टाइटल है, हेडिंग है, ये हेडिंग है ठीक है। और इसको फिर से एक बार, अब हेडिंग मैंने देखे, फिर से एक बार इसको फिर से फुल साइज दे देता हूँ जितना मैंने दिया था, और ये मैंने दिया था इसको ये वाला ओके ठीक है ना, ओके डन। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है इमेज का, इमेज का तो हमने देख लिया, अगर मैं इमेज सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, वही वाली चीजें आ गई, अपलोड से क्या होगा, जो मेरे कंप्यूटर में पड़ी होगी इमेज उसको मैं ले सकता हूँ, और जो यहाँ पे देखिए अगर मैं सिलेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कौन सी इमेज आएगी जो गूगल मुझे प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ देखिए सिलेक्ट करके वही आएगी, ये देखिए जो मैं गूगल मुझे प्रोवाइड कर रहा है, चाहे मैं इसको बाय यूआरएल ले सकता हूँ, या गूगल इमेज से सर्च कर सकता हूँ, या फोटोज जो मेरे पास पड़े हो, या गूगल ड्राइव में अगर मेरे पास फोटोज पड़े हो तो भी मैं यहाँ से पिकअप उसको कर सकता हूँ, या इंसर्ट बोले तो उसको कर सकता हूँ, ठीक है डन। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स भी मेरा कंप्लीट हो गया और इमेज भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब आया इमेंड, ठीक है इमेंड। अब ये क्या मतलब होता है इसको हम क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेड फॉर फ्रॉम द वेब, ठीक है, कि आप यूआरएल के थ्रू कुछ यहाँ पे इमेंड करना चाहते हो या कोड के थ्रू, हम किसके थ्रू करेंगे, यूआरएल के थ्रू। इमेंड क्या होता है, इमेंड होता है जैसे कि गाइस ये एक कंप्यूटर की टेक्निकल टर्म है, ये होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि अंगूठी आपने लगाई, अंगूठी में नग आपका क्या हुआ है, इमेंड हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो साइट है ये हमारी अंगूठी है, नग कोई भी नग है वो हमको इमेंड करना है, उसका मतलब ये हो गया सिंपल सी बात, ठीक है, जड़ना उस चीज को किसी और चीज में, ठीक है। तो यूआरएल, तो यहाँ पे क्या करें, मैं ये वाली डाल दूँ, वाली वेबसाइट का यूआरएल जो अपनी वेबसाइट ही है इसका मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइट मैंने इस वाली साइट में जड़ दी एक टाइप से, अब बोल रहे हैं प्रीव्यू, आपको प्रीव्यू चाहिए या होल वेबसाइट चाहिए, कौन सा करें, होल वेबसाइट रख दें। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, प्रीव्यू शो लिंक विद स्टैटिक डिस्क्रिप्शन फ्रॉम साइट, कि सिर्फ ये यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखेगा कि प्रीव्यू दिखेगा इस साइट का, अगर हम होल वेबसाइट ये वाला करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो जो भी इसमें चेंजेस होती रहेगी वो सिंपली हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहेगी, तो यही करते हैं, अच्छा लग रहा है डायनेमिक। यहाँ पे देखिए जो वो वाली साइट थी वो यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। वैसे इसमें डालना मेरे को यहाँ पे नीड है नहीं इस चीज की, मैं इसलिए ये चीज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सारे ऑप्शन बता सकूँ कि इस ऑप्शन का क्या काम है, ठीक है, इसलिए मैं ये चीज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे इसका यहाँ पे कोई काम नहीं लग रहा है, ठीक है। और अब तीसरा है ड्राइव, ड्राइव में क्या होगा गाइस, जो भी हमको ड्राइव से अगर कोई चीज उठानी हो, कोई हमको फोटोज या कुछ भी, ठीक है, या फोटो गूगल फॉर्म्स कुछ की हमको नीड हो तो हम यहाँ से उसको उठा सकते हैं। अभी मेरे ड्राइव में कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पे देखो खाली है मेरे ड्राइव, लिख रहा है देयर इज नथिंग हियर, तो मैं यहाँ से अभी कुछ नहीं उठाने वाला हूँ, ठीक है डन। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए, टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, मैड और ड्राइव, ठीक है, हमारा यहाँ पे इतना यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया इस चीज से।
अब देखिए, अब चलते हैं लेआउट में। यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास है लेआउट, ठीक है। ये देखिए कोलैप्स भी करता है, क्या बात है। अब यहाँ पे लेआउट अलग अलग टाइप के हैं कि आपको कैसा लेआउट चाहिए, एक इमेज और टेक्स्ट का, दो इमेज दो उनके टेक्स्ट, या तीनों इमेज चाहिए, या तीन इमेज तीन टेक्स्ट, या दो इमेज दो टेक्स्ट, इस तरीके के। यहाँ पे दो इमेज दो टेक्स्ट इस तरीके से आएंगे ये वाले लेआउट में, और यहाँ पे इस वाले लेआउट में आएंगे, ठीक है। तो कौन सा ले, तीन वाला ले लेते हैं, ठीक है। तीन इमेज तीन टेक्स्ट, इसको मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और अपने आप देखिए यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ इस प्लस में, इस प्लस पे मैंने अगर क्लिक कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया कि इसका मतलब हुआ इंसर्ट। इसको मैं क्लिक करूंगा कि आपको क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको अपलोड करनी है, कोई इमेज या कोई ड्राइव से कोई चीज करनी हो, या यूट्यूब वीडियो आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे, या कैलेंडर या मैप, ठीक है। सभी चीज मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे हम क्या इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज। मेरे पास यहाँ पे तो है नहीं कोई इमेज, चलो मैं अपलोड कर लेता हूँ इमेज कहाँ से, अपने कंप्यूटर से। यहाँ पे मेरे पास कुछ मैंने डेटा लिया हुआ था, तो ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं। ये कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रही है इसमें, डिलीट कर लेते हैं इसको, इमेज को। यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं कौन सी इमेज, कोई अच्छी इमेज ना जो हमको अच्छी लगे, क्योंकि ये देखिए ये अच्छी लग रही है ना, ये इमेज पूरी आ गई इसमें अच्छी, वेब डेवलपमेंट, ओके डन। अब दूसरा यहाँ पे उठा लेते हैं एक इमेज, और यहाँ पे उठा लेते हैं अपनी ये वाली इमेज उठा लेते हैं ई लर्निंग, और तीसरी यहाँ पे भी एक इमेज उठा लेते हैं सी प्रोग्रामिंग, ये उठा लेते हैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग, ठीक है डन, ओके। यहाँ पे देखिए हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, जो टेक्स्ट लिखना है हमको यहाँ पे मेन टेक्स्ट, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का था ये, तो ये हो गया वेब DEVELOP वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे हो गया ये ई लर्निंग LEARNING ई लर्निंग, और यहाँ पे हो गया ये सी प्रोग्रामिंग RAMING सी प्रोग्रामिंग, ठीक है डन। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा एलबोरेट भी करना है, ठीक है, कुछ उसके बारे में ज्यादा लिखना है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, जैसे कि यहाँ पे ये क्या बना, ये मेरी साइट आ गई विकास सृष्टि, ये मेरा टाइटल आ गया। अब ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको देखो वेब डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, ई लर्निंग प्रोवाइड करता है, सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट आ गया, ये फोटो रख दिए, यहाँ पे उसका टाइटल रख दिया, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ नीचे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है वेब डेवलपमेंट में, मैं ऐसा ऐसा यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ ई लर्निंग में और सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी रहने देते हैं ये। तो अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कोलैप्सिबल टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या चीज होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं करता हूँ इसको इंसर्ट, ओके। यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मोर मोर डिटेल ऑफ विकास यूनिवर्सिटी, मोर डिटेल ऑफ विकास यूनिवर्सिटी, गाइस जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बना रहा हूं वैसा ही आप बनाएं, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं आपको सारे इसके फीचर को डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो मैं जैसा मेरे पास फीचर आ रहा है उसी हिसाब से मैं यहां पे डिस्क्राइब कर जा रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने भी मेरी तरह बनानी है, ठीक है, ये आपकी अलग क्रिएटिविटी रहेगी अपनी कि आपको कैसा बनाना है, ठीक है। और मुझे ये पूरा विश्वास है, यकीन है कि मुझसे भी 100 गुना अच्छी आप वेबसाइट बनाओगे इसमें, ठीक है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए कोलैप्सिबल टेक्स्ट है, एक सिंपल टेक्स्ट है। ये देखिए मेरा टेक्स्ट था, ये सिंपल टेक्स्ट था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई एरो नहीं है, बट जो ये कोलैप्सिबल टेक्स्ट है, नाम से ही आपको लग रहा होगा कोलैप्सिबल टेक्स्ट, इसमें क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पे ये कोलैप्सिबल टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पे देखिए एक ये एरो है, ठीक है, तभी मैंने लिखा मोर डिटेल्स, मोर डिटेल ऑफ विकास यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिटेल्स लिखना था यहाँ पे, इंग्लिश में आप कर लीजिएगा मेरी जो भी गलती हो रही है बीच बीच में,
तो इसको मैं क्लिक करके अब यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट डालूंगा वो यहाँ पे कोलैप्स और मतलब कि ऑन बंद होता जाएगा, ठीक है, कोलैप्सिबल टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए अच्छी बात है, यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट है, बुलेट है, कोई भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। मैं बुलेट यहाँ पे डाल देता हूँ, बुलेट। अब यहाँ पे देखिए बुलेट आ गया। अब यहाँ पे विकास इंडस्ट्री क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है, सबसे पहले वेब डेवलपिंग, वेब डेवलपमेंट, ओके। नंबर दो सी प्रोग्रामिंग, नंबर तीन सी प्लस प्लस, नंबर चार एक्सेल ट्यूटोरियल, और वर्ड ट्यूटोरियल, और क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे देखिए, काफी अच्छा लग रहा है, DESIG डिजाइनिंग, डिजाइनिंग ट्यूटोरियल, इतना ही रखते हैं ये ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप नंबरिंग भी रख सकते हो इसको, यहाँ पे देखिए नंबरिंग आ गया, और या बुलेट में भी रख सकते हैं, जो भी आपको मन चाहिए वो रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप अलाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे अलाइन ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेफ्ट में। ओके डन, ओके कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मोर डिटेल विकास मिस्टेक की आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ, ठीक है, तो तभी इसका नाम क्या है, कोलैप्सिबल टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारे फीचर को डिटेल बाय डिटेल, वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते भी जा रहे हैं, और साथ के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी वेबसाइट भी बनती जा रही है ना। बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, आप देख रहे हैं कोई भी कुछ नहीं, बस ड्रैग ड्रॉप बटन कोरे पोरे ले जाओ, ठीक है, क्लिक करो, फलाना ढमकाना जो भी है ना। तो ये चीजें हैं, देखो कितनी सिंपल है, अब इसे कितना अच्छा लग रहा है इसका, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सा, टेबल ऑफ कॉन्टेंट, ये हम यूज नहीं करेंगे, टेबल ऑफ कॉन्टेंट होता है गाइस, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसका एक टेबल बनाना ऊपर, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कॉन्टेंट बन गया, मतलब कि जो भी मैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा, यहाँ पे अब देखेंगे आप यही वाली चीज ऊपर लिखी होगी, ठीक है, कि कैसा क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए विकास मिश्री सबसे पहले है, फिर वेब डेवलपमेंट मैंने लिखा, फिर ई लर्निंग लिखी, सी प्रोग्रामिंग लिखी, मोर डिटेल्स ऑफ विकास मिश्री इसके बारे में लिखा, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके उस सेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है, चलो रख लेते हैं, देखते हैं काम आता है नहीं आता है काम। अब यहाँ पे जाएंगे हम नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है इमेज क्राउजल। इमेज क्राउजल में क्या होता है गाइस, जैसे आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट में क्या होता है कि मतलब कि ये जो इमेज है वो ऐसी, एक एक इमेज आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, वो किससे होता है, वो होता है इमेज क्राउजल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज क्राउजल में आपको लगा के दिखाता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इंसर्ट इमेज, कि अपनी जो इमेज आपने क्राउजलिंग के लिए लगानी है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, और यहाँ पे इसने बोला है हमको अ क्राउजल मस्ट हैव एटलीस्ट टू इमेज, कि दो इमेज तो हो, ये सिंपल सी कॉमन सी बात है कॉमन सेंस की, कि दो इमेज होगी तभी तो वो फ्लिप होती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम ऐड में जाते हैं और अपलोड कर लेते हैं इमेज, यहाँ पे कौन कौन सी इमेज है मेरे पास, यही वाली इमेज ले लेते हैं जो मेरे पास है, ये सारे ले लेते हैं, पांच इमेज है ये, ओके डन, ये मैंने डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास, यहाँ पे देखिए सेटिंग का बटन दिया हुआ है एक, इसको क्लिक करेंगे, तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास है ऑटो स्टार्ट, कि अपने आप स्टार्ट हो जैसे ही साइट पे कोई आए, हाँ जी, और ट्रांजिशन स्पीड की क्या स्पीड होनी चाहिए, वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, फास्ट, मीडियम ही रखते हैं, ठीक है, और इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए मेरा क्राउजल एक बन गया, इसको मैं क्या कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा कर लूँ, इतना कर लेता हूँ, वैसे पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं आ रही है, बट फिर भी चलो ठीक है बताने के लिए। यहाँ से फिर से आप सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट अगर करना हो तो डिलीट भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्राउजर लगा के दिखा दिया आपको, और
अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है बटन का। अगर आपको बटन की जरूरत पड़ी अपनी वेबसाइट में तो आप यहाँ से बटन लगा सकते हो। मुझे यहाँ पे वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी आपके लिए मैं लगा देता हूँ। मैं बटन को करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास नेम, ठीक है। तो नेम ये किसका नेम होगा? ये होगा बटन का नाम, कि बटन का नाम आपने क्या रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रखता हूँ नाम गो टू ऑफिशियल विकास यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे लिंक डाल देंगे, ठीक है, जहाँ का भी हमको मैं इस पे भेजना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बटन को आप बड़ा छोटा ये देखिए कर सकते हैं, ये ऊपर आ गया, ये मुझे यहाँ पे नीचे चाहिए था, ठीक है, ओके डन। तो ये रह गया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, जब भी कोई यहाँ पे मैं नया सेक्शन ला रहा हूँ तो यहाँ पे एक ये आपके पास कुछ डॉट डॉट से लग रहे हैं, ये किस लिए है? ये जब मैं कोई सेक्शन को ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो उसके लिए मुझे ये वाला काम आएगा, ठीक है। साथ के साथ देखिए यहाँ पे सेक्शन का बैकग्राउंड भी, एक अलग अलग सेक्शन बन रहे हैं, सेक्शन का बैकग्राउंड आपको कैसा चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। मैं इसका ऐसा रखना चाहता हूँ तो वो भी मेरे पास यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक है। ये अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि वेबसाइट में एक जैसा होना चाहिए होता सारा। अब ये देखिए, अब एडिट कर लूँ मैं यहाँ पे क्योंकि ये काफी बड़ा लग रहा है। क्लिक हेयर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्लिक हेयर अपडेट। अब देखिए अब यहाँ पे ठीक लग रहा है, ओके। ये मैंने वैसे लगा दिया बटन, जरूरत तो है नहीं वैसे इस चीज की, ओके। अब देखिए यहाँ पे बटन के बाद डिवाइजर, डिवाइजर का क्या मतलब होता है? कि हमको सेक्शन को डिवाइड करना है तो हम डिवाइजर लगाएंगे। ये देखिए एक सेक्शन यहाँ पे डिवाइजर हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, ओके। तो उसके बाद है यहाँ पे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है गाइज? अगर आपको कोई भी चीज इंसर्ट करनी हो, जैसे कि प्लेस होल्डर यहाँ पे देखिए ये है, ये एक प्लेस होल्डर लगाया था मैंने यहाँ पे, ये एक प्लेस होल्डर है, ये एक प्लेस होल्डर है, ठीक है। और आपको ऐसे कुछ सेक्शन लगाने हैं अपनी मर्जी से, तो आप अगर आप लेआउट में अगर आपको अच्छा लगे तो लेआउट से भी आप चूज कर सकते हो, अगर आपको अपना लगाना हो तो आप प्लेस होल्डर यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने प्लेस होल्डर में क्लिक कर लिया तो यहाँ पे देखिए आ गया, है ना, प्लेस होल्डर मैंने एक और चूज कर लिया तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी आ गया, तो आप अपनी मर्जी से ये इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे चलो ले ही लिया प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब का इंसर्ट कर दूँ, तो यहाँ पे यूट्यूब मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ अपना ही चैनल का एक कोई भी वीडियो, विकास यूनिवर्सिटी, और मैं कर लूँगा सर्च। अब देखेंगे यहाँ पे जो भी मेरे चैनल के जितने वीडियो थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, कोई भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये वाला लगा देते हैं, सेलेक्ट कर दिया और इंसर्ट कर दिया, ये देखिए है ना, हो गया चूज अपने आप। और यहाँ पे मैं इसका डुप्लीकेट सेक्शन भी बना सकता हूँ, और डिलीट करना हो अगर मुझे बैकग्राउंड यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलग से, ये देखिए इसका अलग से बना दूंगा, लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है यार, इसको वाइट ही रहने दो, मैं तो कहता हूँ आप भी अलग से कलर ना लगाना, बहुत भद्दा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए YouTube का ऑप्शन है, ये तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, एक बार फिर से कर लो, यहाँ पे देखिए वही बात आ गई है ना, तो रहने देते थे YouTube, क्योंकि YouTube को हमने यहाँ पे देख लिया है कि YouTube से कोई भी वीडियो इंसर्ट करनी हो तो कैसे इंसर्ट करेंगे। अब आया कैलेंडर, कोई भी आपने कैलेंडर इंसर्ट करना हो, मैप इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो इनकी जरूरत तो हमको है नहीं अभी, तो हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गूगल डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स, फॉर्म चार्ट्स, ये सभी है। अगर किसी भी आपको इंसर्ट करना हो कोई भी आपको चीज, अगर आपको एक्सेल की जरूरत पड़े तो आप शीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, अगर आपको एक्सेल में कोई डाटा शो करवाना है तो आप एक्सेल इंसर्ट करवा सकते हो, अगर आपको पीपीटी में कोई डाटा आपको शो करवाना है अपनी साइट में तो आप यहाँ पे स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हो, अगर आपको एमएस वर्ड का डाटा इंसर्ट करवाना हो तो आप डॉक्स इंसर्ट करवा सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट ये नहीं होगा, जो ये वाली चीजें हैं ये कहाँ पे बनेगी? ये बनेगी हमारी ड्राइव में, ठीक है, तो ड्राइव से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म है, तो यहाँ पे इन सब के लिए मैं क्या करूँगा आपको, क्योंकि इन चीज की मुझे अपनी साइट में नीड नहीं है, मुझे है फॉर्म की, तो
तो मैं आपको ये वाली चीज को इंसर्ट करके दिखाऊंगा कि अगर हमको जैसे फॉर्म को इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे साइट में, ठीक है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइज, ये मैंने, ये देखिए हमारी एक साइट यहाँ पे ये बन गई, ठीक है? तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। अब अगर ये तो मेरा एक पेज बन गया, ये तो मेरा सिर्फ एक पेज बना, अगर मुझे एक और पेज भी इंसर्ट करना हो, ठीक है, अगर मुझे और पेज इंसर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास दूसरा एक इंसर्ट का सेक्शन था, एक है पेज का। पेज में जाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरा होम, जो मेन जो होम पेज था वो ये था जो मैंने अभी बनाया। यहाँ पे देखिए तीन डॉट है, तो यहाँ पे मैं अगर जाऊंगा तो मैं इस होम के नीचे अगर कोई और मेन्यू लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और एड सब पेज कर दूंगा, ठीक है? तो अभी मैं सब पेज नहीं डालता हूँ, यहाँ पे मैं नया ही एक पेज बनाता हूँ। तो नया पेज इंसर्ट करने मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए न्यू पेज, ये वाला, ठीक है? तो इसको कर लीजिएगा क्लिक, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, यहाँ पे न्यू पेज नेम, तो इसका हम नाम दे देते हैं अबाउट अस, ठीक है? अबाउट अस मैंने इस पेज का नाम दे दिया और मैं कर दूंगा डन। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पेज भी बन गया, ठीक है? तो सेम टू सेम जो होगा मेरा पहले का वो सेम टू सेम आ गया, नाम वगैरह, थीम वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक बारी इसको बोल्ड कर लिया, कलर दे दिया, और अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे मैं फिर से लिख लूंगा एक बार अबाउट अस, क्योंकि ये क्या है, अबाउट अस का एक हेडिंग है यहाँ पे, ठीक है? अबाउट अस ये मैंने कर दिया, इसको मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये वाला टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है? डन, यहाँ पे हो गया। और अब यहाँ पे नीचे एक और टेक्स्ट लेना है तो फिर से ले लिया, और यहाँ पे मैं फिर से नॉर्मल टेक्स्ट लूंगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है डेमो सा अबाउट के लिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका साइज भी बढ़ा सकता हूँ अपने तरीके से, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने इसका साइज 14 दे दिया, तो ठीक है, ये हमारा एक यहाँ पे पेज बन गया, ओके डन, ठीक है? यहाँ पे देखिए मेरा होम पेज भी आ गया, अबाउट अस का पेज भी आ गया, ठीक है? तो आपको आइडिया लग गया कि कैसे हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए एक और पेज भी इंसर्ट कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है? देखिए कॉन्टेक्ट अस का मैंने एक यहाँ पे न्यू पेज इंसर्ट कर दिया, ये मैंने डन कर दिया। ये देखिए यहाँ पे देखिए होम का पेज आ गया, कॉन्टेक्ट अस आ गया और अबाउट अस आ गया, ठीक है? यहाँ पे भी देखिए अब हमने क्या करना, कॉन्टेक्ट अस इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखिए इसको मैं फिर से थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और इसको रेड कर लेता हूँ, है ना, एक जैसा लगे सभी का। और कॉन्टेक्ट अस में मैं अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्म ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैं देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे ले लेते हैं ब्लैक, इसको ले लेता हूँ मैं हेडिंग सबसे पहले, तो और यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, ओके। और कॉन्टेक्स्ट अस मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी, और यहाँ पे मैं अब अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है हमसे तो आप इस मेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके डन। ये देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो ये काफी छोटा सा दिख रहा है, डन। कॉन्टेक्ट अस, ये एक तो ये तरीका है कॉन्टेक्ट अस का, और दूसरा क्या होगा, फॉर्म बनाना यहाँ पे, ठीक है? गूगल फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में है, ये दिया डॉग स्लाइड शीट्स फॉर्म, तो यहाँ पे हम किसका यूज करने वाले हैं, फॉर्म का यूज करने वाला है, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं अभी फॉर्म को क्लिक करूं तो सिंपल सी बात, मुझे जैसा मैंने बताया था ड्राइव में ले जाएगा ये,
और ड्राइव में बोलेगा देयर इज नथिंग हियर, कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले एक फॉर्म बना देते हैं, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा आप, कोई जल्दबाजी नहीं हम करेंगे, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। गूगल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, सबसे पहले जो लिंक आ गया क्लिक कर लिया मैंने, एक गूगल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म्स, इसका भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वही चीजें आ गई, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हमको बता रहा है, ये देखिए डॉक्स, शीट्स, स्लाइड, शीट्स, फॉर्म्स, ठीक है, यही वाली चीजें यहाँ पे आप चले जाएंगे। अब देखिए आपके पास ये फॉर्म्स बनाने के लिए इंटरफेस ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे भी कुछ टेम्पलेट है प्री डिफाइंड जो आप यूज कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की भी बनी हुई है, ठीक है, हम न्यू भी ले सकते हो, न्यू बना देते हैं, ठीक है, न्यू बना देते हैं, यहाँ पे हम नाम देते हैं कॉन्टेक्ट अनटाइटल्ड फॉर्म, और यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं विकास यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं हम कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ओके। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा जैसे कि कुछ भी नेम। अब यहाँ पे मुझे नेम के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन चाहिए मुझे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया अपना क्वेश्चन दे दिया, यहाँ से मैं आंसर चूज कर लूंगा कि मुझे कैसा आंसर यहाँ पे चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, मल्टीपल चॉइस में चाहिए, ठीक है, कुछ भी जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हो, मुझे चाहिए शॉर्ट आंसर, ये देखिए मैम उसका शॉर्ट आंसर यहाँ पे आ गया। अब नया मुझे अगर यहाँ पे क्वेश्चन डालना है तो मैं कैसे करूँगा, अब यहाँ पे देखिए एक रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड कि ये इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ही चाहिए, ये देखो ठीक है मैंने कर दिया रिक्वायर्ड, अब ये इंफॉर्मेशन यूजर को डालनी ही पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए नया क्वेश्चन ऐड करना हो तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे नेम के बाद मुझे क्या चाहिए उसका, मुझे चाहिए ईमेल, सपोज करो मुझे चाहिए ईमेल, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ईमेल, और शॉर्ट आंसर अपने आप सेलेक्ट हो गया, कोई भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है, ईमेल ये भी रिक्वायर्ड, ओके, और ये भी हो गया डन। तीसरा एक और ईमेल के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उसका फोन नंबर, PHONE फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर, और फोन नंबर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि कुछ देना चाहते हैं कुछ नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे यहाँ पे, ये भी शॉर्ट आंसर में रहेगा, और शॉर्ट आंसर भी रख सकते हम इसको, और यहाँ पे हम इसको नंबर होगा यहाँ पे, नहीं नंबर नहीं है, ठीक है, शॉर्ट आंसर में ही रखेंगे इसको भी। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं योर क्वेश्चन, ठीक है मैंने कर दिया, और ये देखिए मैंने पैराग्राफ सेट करिए क्योंकि इसका कुछ क्वेश्चन जो होगा वो कुछ लंबा होगा जो वो पूछना चाहता है, ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर लूंगा रिक्वायर्ड कर लूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो जो मैंने रिक्वायर्ड रखे थे उसके सामने ये स्टार बन गया, ये देखिए मतलब कि ये रिक्वायर्ड है, आपने देखा ही होगा जहाँ पे भी आप ऐसा फॉर्म भरते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए फोन नंबर के आगे नहीं है, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है भरना, ठीक है, हमने एक यहाँ पे फॉर्म भर दिया, बना दिया छोटा सा। अब यहाँ पे देखिए आप इसकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है, ये ग्रीन वाला रख देते हैं, बैकग्राउंड कैसा चाहिए वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, मैं फॉर्मल रख रहा हूँ यहाँ पे, ओके डन। और अब मुझे यहाँ पे हेडर भी देना हो, अगर हेडर भी दे सकते हैं तो हेडर में भी हम दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए चूज एन इमेज हेडर में ना, एक बार चूज कर लेते हैं ताकि आपको भी यहाँ पे कुछ इसकी हेडिंग पहले से ही यहाँ पे है, हेडर बने पड़े, देखो वर्क एंड स्कूल के जो भी आपको पसंद हो, गूगल वालों की तरफ से प्रोवाइड है ये चीज, काफी सारे हैं बट हमको ये पार्टी फूटी वाले तो नहीं करने, वर्क एंड स्कूल वाले में से कोई हमको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ
पे कोई मुझे नहीं लग रहा है, इसको चूज एन इमेज, अपना जो लोगो था उसको ही अपलोड कर लेते हैं। अपलोड में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे और जाएंगे हम डेस्कटॉप में, या डेस्कटॉप में चले जाते हैं, डेस्कटॉप में था। यहाँ पे कहाँ गया मेरा लोगो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये खुद ही उसका बैनर का जितना भी इसका सेक्शन था वो यहाँ पे मुझे दिखा देगा और मुझे बता देगा ये बैनर का, क्योंकि इमेज तो मेरी बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बताया था, इमेज मेरी इतनी बड़ी है ना, और बैनर का सेक्शन कितना है, ये इतना वाला ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं दिख रहा कि कहाँ पे कितना सेलेक्ट करना है, चलो ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं जितना भी है, इसको डन कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी करेंगे हम ये वाला सेक्शन। यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक ठाक ही आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये देखिए हमने यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है, ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये सेव हो गया। और हम इसका प्रीव्यू कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम प्रीव्यू देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए ऐसा बनेगा हमारा, ऐसा दिखेगा दूसरों को हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है ना। ओके, इसको मैं कर देता हूँ कट, इसको मैं कर देता हूँ अब कट। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो मेरी साइट थी, ठीक है, इस पे मैंने अब यहाँ पे फॉर्म इंसर्ट करना, अब मैंने देखिए वहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वो फॉर्म दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ देखिए हो गया अनटाइटल्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया था, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया वन सेलेक्टेड, और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट, यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया, ओके, ये देखिए है ना, पूरा ये हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब हमसे अगर कॉन्टेक्ट करना चाहता हो, मेल में भेजना चाहते हो तो मेल कर देगा हमको, या हमको कुछ यहीं पे लिखना चाहता हो तो यहीं पे लिख के हमको सबमिट कर देगा और हमारे पास वो डाटा अपने आप रिस्पॉन्स में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे तीन पेज हो गए। अब इसका हम यहाँ पे प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। अब प्रीव्यू कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है, प्रीव्यू लिखा आ रहा है ना, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी साइट कैसी बनी, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए गाइस ऐसी कुछ हमारी साइट बनी है, होम पेज में चले जाते हैं सबसे पहले, ये देखिए है ना, ऐसे कुछ थी, कंटेंट ऑफ टेबल था, ये कुछ ठीक नहीं लगेगा, मैंने पहले बताया था आपको। ये देखिए है ना, ये क्राउजल बनाया था, ये देखिए है ना, यहाँ पे देखिए ये था, ये वाला कोलैप्स वाला है ना, तो यहाँ पे ये बटन बनाया था, यहाँ पे हमने वीडियो इंसर्ट करवाया था, ये देखिए, ठीक है। और ये वाली साइट जो ऐसी हमको दिख रही है, ये हमको कहाँ दिखेगी, ये पहले कॉन्टैक्ट वाले में भी चले जाते हैं, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस का पेज था, यहाँ पे देखिए वो फॉर्म आ गया है ना, और अबाउट अस वाले में भी चले जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये अबाउट अस था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम, ये हमको कंप्यूटर में ऐसे दिख रही थी ये साइट, टैबलेट में कैसे देखेगी वो हम यहाँ से देखेंगे, और मोबाइल में कैसे देखेगी वो हम यहाँ से नहीं देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम टैबलेट वाले पे क्लिक कर लेते हैं, टैबलेट में कुछ देखिए ऐसे दिखेगी साइट, ओके। मोबाइल में कैसे दिखेगी, मोबाइल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए कुछ ऐसे दिखेगी, ओके। यहाँ पे देखिए ये वाला मेन्यू रहता है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो मैंने तीन पेजेस बनाए थे वो यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, है ना, ओके। अगर आपको प्रीव्यू कैंसिल करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा रहा है एग्जिट प्रीव्यू, यहाँ से मैं प्रीव्यू एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे मैं पेजेस में जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं होम में ही क्या करने वाला हूँ, एक सब पेज ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, ऐड सब पेज, इसका क्या नाम रखें, इसका नाम रख देते हैं वेब डेवलपमेंट, चलो वेब डेवलपमेंट एंड डन,
ये देखिए हमारा होम में एक पेज आ गया वेब डॉक्यूमेंट। इसके अंदर भी मैं एक पेज लगा सकता हूँ ऐड सब पेज, बट मैंने अभी यहीं पे लगा लिया ये। अब यहाँ पे देखेंगे वेब डेवलपमेंट, ये वाला पेज आ गया। इसको भी मैं थोड़ा सजा देता हूँ, चलो काम कर रहे हैं तो अच्छा ही करें। ये देखिए ठीक है, बन गया वेब डेवलपमेंट। चलो एक एक काम कर लेते हैं, काम कर लेते हैं कि इसका इमेज चेंज कर लेते हैं, नहीं तो एक सा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक सा ही सब जगह पे रहेगा, हम सब पेज में अलग-अलग रख सकते हैं। इसको मैं ये वाला दे देता हूँ सिलेक्ट, ये देखिए ठीक है। ओके अब यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, क्या इंसर्ट करें, जस्ट एक इमेज से इमेज इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट वाली। कहाँ पे, यहाँ से कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट। ओके ये देखिए है ना, वैसे ही लगा दी मैंने। ओके डन। अब देखिए जो मेरा यहाँ पे होम बटन था, होम बटन के नीचे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट आ गया। ये मेरे अलग अलग मेन पेज है और ये होम के नीचे मैंने सब पेज बनाया हुआ। यहाँ पे हम सब पेज बनाते चलेंगे ठीक है, या हम अलग भी रख सकते हैं मेन पेज, या हम इसके सब पेज भी बना सकते हैं ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके एक बार प्रव्यू में एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। प्रव्यू यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये ऐसे आएगा है ना, ये देखिए। एग्जिट कर देते हैं प्रभु ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी ऑप्शन को सीख गए हैं कि हम कैसे बनाएं चीज़ों को, कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं एक फुल फ्लेज अच्छी वेबसाइट, ये देखिए है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने सारे ऑप्शन जो इंसर्ट में थे, टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, इमेज ड्राइव, लेआउट, लेआउट जितने भी थे, और आपके कोलेप्सिबल टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, इमेज क्राउजल, बटन डिवाइडर, प्लेस होल्डर, यूट्यूब कैलेंडर, मैप, मैंने यहाँ पे सारे आपको दिखा दिए। और जो भी ये गूगल के प्रोडक्ट थे उनका भी कैसे यूज होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। मैंने फॉर्म का यूज करना आपको यहाँ पे बता दिया है ठीक है। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट अलग अलग जो पेजेस थे कैसे बनाए वो भी मैंने आपको बता दिया, और किसी का सब पेज कैसे बनाए वो भी हम यहाँ पे सीख गए हैं ठीक है। और यहाँ पे थीम्स है, यहाँ पे कोई भी आप थीम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग थीम है, ये वाली थीम ये देखिए ऐसे लग गई यहाँ पे। ओके ये भी अच्छी लग रही है, प्रीव्यू देख लेते हैं, अच्छी लग रही है ठीक है। ओके डन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गूगल साइट में अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब हमारी वेबसाइट पूरी यहाँ पे बन चुकी है, यहाँ पे मैंने आपको सारे सेक्शन बता दिए, मैंने कोई भी सेक्शन मिस नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बचा है ऐड फुटर, कि आप फुटर भी ऐड यहाँ पे कर सकते हो ठीक है। मैंने यहाँ पे फुटर ऐड किया, यहाँ पे आप फुटर में क्या लिखते हो, कॉपीराइट, ऐसा करते हो कॉपीराइट 2021 विकास, विकास यूनिवर्सिटी ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे लिखना हो फुटर में आप यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको मैं थोड़ा हेडिंग करके, नहीं ज्यादा बड़ा आ गया है तो, क्योंकि फुटर में इतनी बड़ी चीज अच्छी नहीं लगती है। 14 तक ये ठीक है ना, ये ठीक आ गई, ये फुटर मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉपीराइट 2021 विकास यूनिवर्सिटी ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सेक्शन मेरा फुटर वाला छूटा था, ये मैंने लगा दिया, ये भी मैंने बता दिया ठीक है डन। और मेरा यहाँ पे हो गया ये सेव, और फुटर वाला जो सेक्शन था उसको कर देते हैं ऑफ और चले जाते हैं ऊपर यहाँ पे, ये देखिए ठीक है, पूरी वेबसाइट बन के होगी रेडी। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एक मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, यहाँ पे देखिए जैसे ये डॉट है इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से आप डुप्लीकेट साइट भी इसकी बना सकते हो ठीक है, सेम टू सेम साइट। ओके
ये आप देख लेना आपको कैसे अच्छा लगे। अपनी तरह से मैंने आपको सारे जो फीचर थे वो आपको बता दिए, और एक एक फीचर को डिस्क्राइब किया है मैंने यहाँ पे पूरा, और उन्हीं फीचर से बनाते बनाते मैंने एक एक आपको डेमो साइट यहाँ पे बना दी है। बहुत अच्छी साइट बनी है, ठीक है। बहुत पेज बने थे, सब पेज बने हुए हैं, अलग अलग पेज बने हैं, ठीक है। सब कुछ देखो यहाँ पे हमारे पास फ्री में बन गया, और यहाँ पे गूगल की वेब होस्टिंग मिल गई, ठीक है, गूगल का SSN मिल गया, सब कुछ गूगल का मिल गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होने वाली है। और सबसे अच्छी बात, ये साइट गूगल साइट्स की जो वेबसाइट, जिसमें हम गूगल साइट्स में जो हम वेबसाइट बनाते हैं, ये रैंक भी बहुत जल्दी हो जाती है गूगल के ऊपर, ठीक है। ये इसकी एक एडवांटेज है, क्योंकि गूगल का अपना प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और अब हम लास्ट में क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए पब्लिश का ऑप्शन है, साइट को पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने पब्लिश कर दिया तो यहाँ पे हमसे नाम पूछ रहा है वेब एड्रेस की, आपको क्या वेब एड्रेस चाहिए। देखिए जो ये वाला था, इतना sites.google.com व्यू, ये तो इनका रहेगा। आगे जो कितना आपको रखना है, ठीक है, जो आपको नाम रखना है अपने वेब एड्रेस का, वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, मैं सेम यहाँ पे रख लेता हूँ, विकास-यूनिवर्सिटी, ठीक है, डन। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास और है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कभी भी टिक नहीं करेंगे, जब आप टिक कर देंगे तो आपकी साइट कभी भी गूगल सर्च पे नहीं आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कभी भी टिक नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, हु कैन व्यू दिस साइट, ठीक है, कि आपकी साइट को कौन देखेगा। तो ये आपको क्या करना है, आपको पब्लिक करना है, गॉट इट, ठीक है। यहाँ पे चेंज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिश साइट पब्लिक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं करनी है, आपको ये पब्लिक करनी है, ठीक है, तभी ये सभी को दिखेगी। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड करेंगे तो ये वाला साइट सिर्फ आपको ही दिखेगी, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये डन कर दिया और यहाँ पे साइट पब्लिश कर दी, ये देखिए पब्लिशिंग हो रहा है, साइट पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे देखिए मैसेज यहाँ पे आ गया, योर साइट हैज बीन पब्लिश्ड सक्सेसफुली व्यू, देख लीजिए अपनी साइट को। तो हम अपनी साइट को खुद ही देख लेते हैं, क्या था, sites.google.com व्यू एंड विकास यूनिवर्सिटी, ये वाला था हमारा, ये वाला लिंक था, क्लिक कर लेते हैं। क्या बात है, यहाँ पे देखिए मेरी साइट यहाँ पे आ गई है, डन। यहाँ पे देखिए लोगो आ गया, ये आ गया, नाम आ गया, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बनाया था बताया था वैसा यहाँ पे सेम टू सेम आ गया। यहाँ पे देखिए सब पेज भी आ गया है ना, सब पेज भी आ गया, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट का यहाँ पे आ गया, फॉर्म भी यहाँ पे आ गया, ओके डन। कौन अबाउट अस, अबाउट अस यहाँ पे देखिए, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे बनाओगे वो एकदम अच्छे से शो होना शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो, काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी इस वीडियो को देख के आपने अगर साइट बनाई हो, कोई भी गूगल साइट पे साइट बनाई, तो उसका लिंक नीचे कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। हम सभी देख लेंगे कि आपने कैसी साइट गूगल साइट पे बनाई हुई है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं गूगल साइट पे कोई और टाइप की साइट बनाऊं, तो भी नीचे कमेंट कर लीजिएगा। या आप वर्डप्रेस ब्लॉगर भी सीखना चाहते हैं, उसमें वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, तो भी नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको वेबसाइट उसमें बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। उसके भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।